नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एटीजेड। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के खबरा गांव में प्रधानी के चुनाव के बाद से चली आ रही चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष में जमकर लाठी डंडे चले, जबकि कई राउंड फायरिंग भी हुई। वही संघर्ष के दौरान एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। झगड़े के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों की माने तो ये रंजिश प्रधानी चुनाव से चली आ रही है, जिसके चलते गांव में पहले भी कई बार बवाल हो चुका है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि तहरीक के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। समाचार टू जेड के लिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। मेरा भाई रोहित तो वहाँ से आ रहा चक्की से गल्ला लेके, तो वो धर्मवीर का लड़का संजीव और एक लड़का और था उसके साथ, और उसका धर्मवीर का छोटा लड़का राजीव, उसने मेरे भाई पर हमला कर दिया और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा, उसकी छाती वगैरह पे डंडे वंडे बजाए और फिर उसने शोर मचा दिया। उसके घर के जितने भी थे सभी लोग फायरिंग करने लगे और घर से ईंट बरसाने लगे। हम लोग तो घर में थे, पुलिस हमारी ओर से फिर भी तीनों को पकड़ के ले गई, मेरे भाई को, मेरे पापा को और मेरे चचेरे भाई को भी। तो ये लड़ाई क्यों चल रही है? ये लड़ाई 15 साल पहली है, प्रधानी की वजह से रंजिश है। और अब हम स्कूल जाते हैं सारी लड़की, तो हमारे साथ भी बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा। कौन लोग जो बदतमीजी करते हैं? वो एक तो सुंदर का लड़का है, रोहित, मोहित और सचिन, ये तीनों लड़के हैं, और एक उसका एक उमेश का लड़का नितेश है, और एक उसका है स्वराज का लड़का ललित, और उसके लड़के धर्मवीर के दोनों राजीव और संजीव, और उसका जग्गू का लड़का विपिन, ये सारे लड़के एक साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। तो अभी जो घर पर पथराव पथराव कर गए, कुछ फायरिंग वायरिंग भी करी थी? हाँ जी, फायरिंग की है छत से की है, और डिस पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत मतलब निशान लग रहा है। हम क्या विरोध करें, क्योंकि हमारे घर वाले भी तो नहीं है, पुलिस भी हमारे साथ नहीं देती। हर बार यही हो जाता, 3 बार हो चुका है ये हमला, जिसमें हमारे घर वाले ही जाते हैं हर बार। वो भी अब आया जेल से, 5 दिन हुए, फिर उस पे इल्जाम लगा दिया फायरिंग करने का। रॉबिन करिए घर को ही मौज इतना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभद्रा, मैं आंगनवाड़ी से हूँ। आंगनवाड़ी की नौकरी बिना करन है, कछुड़ा के छोड़ेंगे। ये क्या मामला हुआ है? ये मतलब ये है का गल्लो लेके आ रहा लड़का, गल्लो लेके आ रहा, तो भाई पे डंडा मारे, सिर में मारो डंडा, वो भाई है भाई के और गल्ले छोड़ के, बस इतनी सी बात है कि मार देंगे, खत्म कर देंगे, घर में घुस के मार, ईंट पत्थर सब मारे, सब बाले लड़की पे भी। बात चल रही है, कम से 150 पब्लिक ही कम दे कम, अब पुलिस वाले आ जाए तो बस चले जाए छोड़ के। हर बार यही कहानी हो, एक बार ना 4 बार है चुकी यू कहानी हमारे संग। बालक हैं छोटे छोटे, पहले तो बालक है छोटे छोटे, उन पर घायल हुए। रिंकू घायल हुआ, रोहित है, मेघराज है, 3 जने घायल हुए, हम तो छिप गए एक लंकू। तो ये पथराव क्यों किया उन्होंने? पथराव तो 15 साल पुरानी रंजिश चल रही है इनकी। ये जो कह रहा है कि हम तो जानते मारे, तब ये लोग जीत गए, हम लोग हार गए, वाके बाद भी ये शांत ना बैठ रहे। कई फेरा एक आदमी घेर के मेरा आदमी घर में घुसा के मार दिया, बुग्गी हटाने के ऊपर ही बस। और जेल में अब एक्सीडेंट हुआ, इनको कैदी को गोली मार दी, बाकी ऊपर फिर दोबारा जेल भेज दिए, अब फिर ये 3रा वाका है मेरे संग। मेरे बालक छोटे छोटे वो तो बंद है। अब जो पुलिस आई है क्या कर रही थी पुलिस ने कहा रोकथाम कर रहे हैं बस, और हमारे घर के नहीं लगे ये पकड़ के पुलिस है का कोई कार्रवाई ना करें, आप मतलब हमारे घर के नहीं भेज दें जेल में, वो लोग छूट जाए। वो तो जो कहते हैं हमने पुलिस वाले खरीद रखे हैं पैसे थे। सर कोतवाली देहात में दो पक्षों में पथराव हुआ है, क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई की? दो पक्षों में आपस में कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था, वो विवाद चल रहा था, इसी बीच में कुछ और झगड़ा हुआ है और जिसमें 2-3 लोगों को चोटें आई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है दोनों पक्षों के। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।